मैं आपको कराऊंगा यहां पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहला जो हम करेंगे यहां पर वो होगा डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी, फिर थॉमसन, थ्योरी और मॉडल, मतलब फिर उसके बाद हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल। फिर मैं आपको सीधा ले जाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर मैं आपको इसके बाद ले जाऊंगा फिफ्थ नंबर पे प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी, तो ये सारे वो मॉडल्स हैं जो एटम्स को बनते वक्त डिसाइड करते वक्त एक एक पॉइंट्स के बाद हमारे पास आ रहे थे। डाल्टन थ्योरी, थॉमसन थ्योरी, रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्लैंक्स थ्योरी। फिर प्लैंक्स थ्योरी के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रम में पहले भी ले सकता हूं प्लैंक्स थ्योरी के। सेवन, बोर मॉडल। फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा एट्थ, इसी के अंदर हम बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ आर यानी रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारी चीजें हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे एट्थ नंबर में। नाइन्थ, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हमारा यहां से लेके यहां तक पूरा बोर मॉडल ही चलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक। स्पेक्ट्रम लाइंस वगैरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सोमरफेल्ड मॉडल, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स, ट्वेल्थ हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट्स के बाद यहां पर डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या बात एक ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमें करना है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
मैग्नेटिक नेचर, ऑफ एटम एंड आयंस। और एक और टॉपिक रहेगा हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जिसके अंदर पूरा श्रोडिंगर वेव मॉडल आ जाएगा। तो ये हमारे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो आपको पढ़ाना है, मेरे को लिख लीजिए। FELD, थोड़ी सी स्पेलिंग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, SCH। करें स्टार्ट। तो डाल्टन्स मॉडल तो मैं आपको बता ही चुका हूं, बेसिक इंट्रोडक्शंस मैं आपको बताऊंगा। हमारा चैप्टर देखा जाए ना तो बोर से स्टार्ट होता है। लेकिन कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं उसके बारे में पूरा बैकअप आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जब दुनिया नई नई साइंस सीख रही होगी, होता है ना, जब भी कोई नई चीज आती है अचानक, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये बनी कैसे होगी। जब हम वो सीख जाते हैं तो हम आगे सोचते हैं ब्रह्मांड कैसा बना होगा, धरती कैसे बनी होगी। जब धरती बनना सीख जाएंगे तो हम फिर बाद में सीखेंगे सूरज कैसे बना होगा, यूनिवर्स कैसे बना होगा। हमारी कभी भी सोचने की आदत खत्म नहीं होगी, हम जिंदगी भर सोचते रहेंगे। क्यों होता है ना, क्यों? मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि यार कभी ऐसा कुछ हो सकता है कि रेडियो पे आप गाने सुनते हो, आप उनको देख भी सको। फिर जब टीवी आई तो मुझे ऐसा लगा यार एक ही क्यों देखे अपन, दो तीन एक साथ देख सकते हो, जिसकी जो मर्जी हो। मुझे पिक्चर देखनी हो, गाने देखने हो, पापा को समाचार देखने हो, तो अलग अलग हो जाए, तो वो भी हो गया। फिर लगा यार पर्सनल होना चाहिए मोबाइल टाइप, जिसको जिसकी जहाँ मर्जी हो। आज मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, हम अपना चैनल देख सकते हैं, हर चीज बहुत एडवांस हो गई। अब पता है क्या सोचता हूँ मैं क्या मेरे पास मोबाइल लगने की दिक्कत आती है, घड़ी होनी चाहिए, कोई डिवाइस होनी चाहिए जिसको हाथ में पहना, बटन चालू करा, सामने स्क्रीन बन गई अच्छी ब्राइटनेस के साथ, ये 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 कॉल और माइक सिस्टम अच्छा हो, हेलो हेलो, मतलब अलग से मोबाइल लगने की जरूरत नहीं हो, घड़ी सब कुछ कर दे। वो 3D एनिमेशंस, वो कौन सी मूवी थी, आयरन मैन, देखिए वैसा वैसा सोचता हूँ मैं भी कभी कभी कि आयरन मैन की तरह उड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि हम आज तक मैग्नेट होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, ग्रेविटी अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता है, एंटी ग्रेविटी पार्टिकल हम कैसे बनाए। अगर हम एंटी ग्रेविटी पार्टिकल थोड़ा सा भी बना दें तो एक डिवाइस ऐसी बना सकते हैं जिस पे एंटी ग्रेविटी लगे, थोड़ा सा रिपल हो, थोड़ा अट्रैक्ट हो, हम हवा में जा सके एक हाइट पे और फिर गाड़ी चलाए। तो वो दिन दूर नहीं है जब एंटी ग्रेविटी पार्टिकल लग जाएगा और उसकी क्वांटिटी इतनी रखी जाए कि वो अट्रैक्शन ना करे। लेकिन शायद फिजिक्स ऐसा बना लेगी तो नुकसान ही होगा, क्योंकि हर चीज़ फिर उड़ने लग जाएगी, रिपेल करेगी। क्यों? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है,
साइंटिस्ट लग चुके होंगे एंटी ग्रेविटी। जब 1950 में अगर कोई कहता होगा कि चंद्रमा पर आदमी जाएगा तो अजीब सा लगता था, चंद्रमा मामा दूर के, और बाद में जाने लग गया तो फिर पब्लिक सोचने लगी होगी, और खास तौर पे इंडियन औरतें तो सोच ही रही होगी कि अगर हम चंद्रमा पे रहेंगे तो करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ेंगे। चंद्रमा को देख के, जमीन की तरह देख के करना पड़ेगा, चंडी में तो दिखेगा नहीं। अच्छा आपके पास अपडेट है क्या, चंद्रमा यान जो 2 छोड़ा था वो अंदर ऑर्बिटल में आ चुका है क्या? कितना? 2500 ना, 250 तो मैंने कहा, फिर तो लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया। तो अभी तक जिंदा है मतलब वो, क्योंकि उसने एक बहुत मुश्किल था अंदर चंद्रमा के ऑर्बिट में डालना, इंडिया पहली बार डाल रहा है। अच्छा मंगल पे भी अपन ने ऑर्बिट में डाल ही दिया था, बड़ी बात थोड़ी ना थी फिर। हाँ आगे सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, वो कब कराना है, कल परसों कब तक होगा? क्यों न्यूज़ नहीं देखता क्या तू अर्पित? नासा में तुम्हें जाना था ना? नहीं जाना था? किसने कहा था सर हम नासा में काम करना चाहते हैं? इसरो भी अब कम नहीं है, इसरो भी जा सकते हो। नासा में भी मैक्सिमम इंडियन साइंटिस्ट ही है, और इसरो में तो है ही इंडियन। तो एटम के बारे में ही बात करते हैं, बहुत इजी वे में हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है एटम, ठीक है? एक एक करके अपन करते जाएंगे, और कोई बात नहीं है, एक ये काम करते रहेंगे, और साइड बाय साइड हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी देख रहे हैं। चलो पानी पी लिया जाए, आगे चलो। अभी तक हम ये मान रहे थे कि शुरुआत में एटम एक पार्टिकल है और वो न्यूट्रल है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज तो है नहीं और हमें चार्ज का पता चल भी नहीं रहा था। लेकिन हमें कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट देखने को मिले जिससे हमें पता चला, नहीं यार भाई एटम में कोई चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो हमें कब फील आए? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेस। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कैथोड एनोड रेस का। कैथोड रेस का पता पहले चला किसी साइंटिस्ट को, क्या लगा कि हम एक ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ट्यूब जो बहुत हाई प्रेशर तक झेल सके, और उसमें हमने वैक्यूम कर दिया, ये वैक्यूम निकाल दिया। वैक्यूम का मतलब अब इसमें गैस बहुत कम है, क्योंकि 100% वैक्यूम करना मुश्किल था, तो ऐसा नहीं है गैस नहीं है, लेकिन इतनी कम है कि उसका प्रेशर बहुत कम था, ठीक है? फिर अभी ये लगभग लगभग वैक्यूम है। फिर उसके बाद यहाँ इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, मेटल इलेक्ट्रोड, समझ रहे हैं? मेटल इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल की प्लेट एक, और इस मेटल की प्लेट के साथ आपने इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आपने लगा रखा है, बहुत हाई वोल्टेज वाला बैटरी लगा रखी है, और वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ा और बढ़ाया, और बहुत ज्यादा कर दिया, लगभग 5000 वोल्ट यानी 5K वोल्ट आपने वोल्टेज लगा दिया। आप सोचो आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, कर 230 240, हम यहाँ पर हजारों में लगा रहे हैं। इतना हाई वोल्टेज लगाने के बाद क्या हुआ? हमें कुछ ही नहीं लगा, हमने थोड़ा और बढ़ा दिया, 5 5.5। एक समय ऐसा आया कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल इस पॉइंट पर मुझे ब्राइट लाइनें दिखने लग गई। तो दिमाग में क्या आएगा मेरे कि यार ये लाइट क्यों दिख रही है? अपने आप जो ट्यूब थी वो जल गई, जैसे हैलोजन होती है ना, जैसे ट्यूबलाइट होती है, वोल्टेज लगाती है वो क्या हो जाती है, पूरी जल जाती है, बिल्कुल रोशनी की तरह वैसे जलने लगी, कांच ट्यूब में से शाइन करती हुई आपको लाइट लाइट दिखने लगी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक
तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, हमें ये नहीं मालूम था किस तरफ से किस तरफ जा रही है, ठीक है, लेकिन ये मालूम था कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। तो पता करने के लिए कि ये किस तरफ जा रही है, क्या करोगे आप, एक और एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर कोई वस्तु रख दोगे आप, ठीक है। तो पता चला कि ये इसकी शेडो जो बन रही है वो इस तरफ बन रही है, किस तरफ बन रही है, एनोड की तरफ। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि जब इसकी शेडो इस तरफ बन रही थी तो इसका मतलब ये किस तरफ जा रही है, कैथोड से एनोड। ये आपके लिए क्या है, कैथोड, और ये आपके लिए क्या है, एनोड। तो अंतर ये रहा कि इस ये परछाई यानी कि शेड डो हमारे लिए किस तरफ बन रही थी, कैथोड, यानी कि ये एनोड की तरफ, यानी ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रेस। दूसरा एक और चीज है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यानी हमारे लिए कुछ खास पॉइंट्स आने लग गए वन बाय वन। इट जनरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये कैथोड से जनरेट हो रही थी तो हमने इसका नाम क्या कर दिया, कैथोड रेस। इट जनरेट एट कैथोड, एट कैथोड सो कॉल्ड कैथोड रेस। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास सामने आया, भाई सही है यार कि ये कैथोड की तरफ हमारे लिए जा रही है, कैथोड पे जन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। दे आर मूविंग टूवर्ड्स कैथोड डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डायरेक्शन, एनोड डायरेक्शन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड डायरेक्शन। इट मींस कैथोड रेस हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब कैथोड रेस आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इन सिंपल वर्ड्स कैथोड रेस आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये सब चीजें हमें पता चलने लगे, क्योंकि एनोड की तरफ जा रही है, एनोड की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यानी खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आने लग गए। फोर्थ, ठीक है, आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आप हाई वोल्टेज पे जनरेट हो रही है, आप बहुत लो प्रेशर पे है। तो मेरे दिमाग में ये आया, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, गैस डाल दी, ये नहीं जनरेट हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि जो क्यों नहीं हो रही थी, यही तो क्वेश्चन रहा मेरा। तो इसका और ये बन कैसे रही होगी, दोनों चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो मेरे दिमाग में एक ही आया कि ये एटम है, आप समझिएगा, एटम है, ये एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, न्यूक्लियस वाला पार्ट रह जाएगा, जिसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, यही हमारे लिए कैथोड रेज है। ये मूविंग इलेक्ट्रॉन ही हमारे लिए क्या है, कैथोड रेज है। अगर हम गैस का प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा देंगे, गैस ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी, तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी गैस के साथ क्या हो जाएगा, आयनाइज कर देगा, उस गैस के एटम को आयनाइज कर देगा, उसको एनायन में बदल देगा,
और जब एनायन में बदल जाएगा तो खुद की अवेलेबिलिटी या खुद की प्रेजेंस क्या हो जाएगी, खत्म। इलेक्ट्रॉन तो एटम में घुस गया, तो वो इतने वोल्ट पर मूव नहीं कर पाएगा। बड़ी गैस का मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम रहेगी, तो मूविंग नहीं होगी उतनी वेलोसिटी, तो वो लाइट के रूप में नहीं दिखेगा। यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होती है और एक नेगेटिव आयन पार्टिकल की वेलोसिटी सेम वोल्टेज पे क्या रहती है, कम रहती है। तो वेलोसिटी कम रहेगी तो इतना वोल्ट क्या कहेंगे, वेलोसिटी कम रहेगी तो वो लाइट की तरह से नहीं दिखेगा आपको, उसकी फ्रिक्वेंसी या उसकी एनर्जी इतनी नहीं रहेगी कि वो लाइट की तरह दिखाई दे, ठीक है। दूसरा, वोल्टेज अगर कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फिर कम हो जाएगी, जा रहा है लेकिन आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। आपको लाइट भी तो दिखाई देनी चाहिए, आपको फील आना चाहिए कि हाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो लो वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन आपको मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा, हाई वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा इन फॉर्म ऑफ लाइट, ऐसा लगेगा जैसे लाइट मूव कर रही है जबकि मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास पॉइंट था, लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि यार ये लाइट है या पार्टिकल, इस पे भी रिसर्च कर लिया जाए, क्या पता चले अपन तो इसको लाइट ही मान लेते हैं और पार्टिकल है या नहीं है। तो इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने, क्या करा यहां पर इसके रास्ते में इस तरह का एक पहिया लगा दिया, लाइट व्हील। तो ये लाइट व्हील घूमने लग गया, क्या लाइट व्हील घूम रहा है, यानी पहिया जो घूम रहा है इससे क्या पता चल रहा है कि ये पार्टिकल है। यार सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, पार्टिकल है। अगर लाइट होती तो लाइट कितनी तेज हो, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो पहिया घूमता नहीं। यानी ये रोटेशन ऑफ व्हील ये शो कर रहा है कि जो लाइट है, जो कैथोड रेज है, वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो इससे पहले लिख सकते हो इसी से पता चला था। स्मॉल लाइट व्हील रोटेट इन अबाउट डायग्राम, शो दैट कैथोड रेज जनरेट बाय पार्टिकल। ये हमारे को और पता चल गया कि भाई पार्टिकल ही और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। अब बात आती है कि कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे सामने आने लगी, ये पांच छह प्रॉपर्टी तो आ ही रही। मैंने गैस ही चेंज कर दी, हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया, हीलियम, या कोई और गैस ले ली, हल्की गैस लेने की कोशिश करूंगा, नियॉन ले ली। मुझे पता चला कि यहां पर जो पार्टिकल है उसका मास सेम आ रहा है, ई चार्ज भी सेम आ रहा है, यानी कि वो कैथोड रेज की जो ई और एम की वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड कर ही नहीं रही है कि गैस कौन सी भरी जाए। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन एक बार एटम में से निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता कि वो हीलियम का था या नियोन का था या फिर हाइड्रोजन का था, समझ में आ रहा है। तो ये बात क्लियर थी कि कैथोड रेस इनडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, कैथोड रेस, सिक्स नंबर का पॉइंट, कैथोड रेस इंडिपेंडेंट, कैथोड रेस ई एंड एम ऑफ कैथोड रेस ई एंड एम ऑफ कैथोड रेस इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। इन ग्लास ट्यूब, क्योंकि ये ग्लास ट्यूब में कोई सी भी गैस ले ली जाए और आप देख रहे हैं कि ई और एम की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। हाँ ये जरूर है कि गैस अलग अलग लेने पर आपको जो वोल्टेज अप्लाई करना है वो ज्यादा हो सकता है, और भी ज्यादा हो सकता है, 5 की जगह 10 तक भी जा सकता है अलग अलग गैस के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज है और प्रेशर बहुत कम है। तो इसको हम, इस ट्यूब को हम क्या नाम देना चाहते हैं, इस ट्यूब का भी नाम रख देते हैं, इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारे पास कैथोड रेस के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आए, और आज से हमने ये कह दिया कि कैथोड में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसी समय निकल गया कि अगर कैथोड, सॉरी, एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं,
कैथोड में तो है ही, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बने कहाँ से? एटम में से। तो इसका मतलब एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रूव करो कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। जैसे कैथोड रेज है तो दिमाग में एक और चीज आई कि नहीं, कहीं ना कहीं एनोड रेज भी होती होंगी जो एनोड से जनरेट हो रही है और वो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। ऐसा दिमाग में आने लगा। बहुत साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मेहनत करने लगे कि एनोड रेज बन जाए बन जाए बन जाए, तो हम बन भी गई। तो हमने इसको नाम दे दिया एनोड रेज। तो एनोड रेज किस तरह से वर्क करेगी देखते हैं। एनोड रेज हमारा हेडिंग रहेगा एनोड रेज। पहली चीज, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने वोल्टेज बढ़ा दिया, 5 की जगह क्या कर दिया 10। निकल ही नहीं रहा था, अब भी नहीं दिखाई दिया। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया। क्या सेटअप चेंज किया, ध्यान से सुनना। यहां पर जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, वो इस जगह लिया, एनोड वाला और कैथोड वाला। तो ये हमने इस जगह ले लिया और एनोड को बनाया भी कुछ इस तरह से, और पास ले लो और उसमें होलो टाइप इस तरह से रखा ये। तो यहां तो जो बन रही है, उसने कहा ये तो कैथोड रेस है, इन दोनों के बीच में जो बन रही है, ये सॉलिड था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां उसे फिर इस कंडीशन में कुछ और रेज दिखाई दी। ये रेज हमारे लिए क्या रहेगी, एनोड रेज। इसको नाम दिया उसने एनोड रेज का। यानी हुआ ये कि कुल मिला के एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो न्यूक्लियस भी था। ये न्यूक्लियस की वेलोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो अब क्या बन रहा है कि वो इस कैथोड सॉरी एनोड से रिपेल होके बाहर की तरफ छनके जा रही है। तो ये जो रेज मिलेगी, कम क्वांटिटी में मिल रही है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड रेज, क्योंकि ये रिपेल करेगी। और रिपेल करेगी तो ये इससे स्टिक यानी चिपकेगी नहीं, और क्या होगी, बाहर चली जाएगी वेलोसिटी हाई होने की वजह से। एक पार्टिकल की बहुत ज्यादा वेलोसिटी है और इससे रिपेल करते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यहां हमारे पास जो रेज दिखाई दी थी कुछ समय के लिए हमारे को, वो हमारे लिए क्या है, एनोड रेज। तो इसके पॉइंट्स क्या रहेंगे, पहली बात एनोड रेज के बारे में क्या आपके पॉइंट्स आएंगे, फर्स्ट पॉइंट सेम सिमिलर रहेगा आपका, क्या रहेगा पहला पॉइंट, एनोड रेज जनरेट ऑन एनोड, एनोड पर ही दिखाई देगी है। सेकेंड, एनोड रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, थर्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दोनों चीजें हो रही है क्योंकि ये भी व्हील को घुमा रही है और सारी बातें वैसी है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है थर्ड। एक तरह से एनोड रेज जनरेट किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियस ऑफ एटम। एनोड रेज जनरेट न्यूक्लियस ऑफ गैस, सो इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस के न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं, तो यानी अलग अलग गैस के लिए एनोड गैस की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। द वैल्यू ऑफ ई एंड एम फॉर डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट। फोर्थ पॉइंट, द वैल्यू ऑफ ई एंड एम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस।
ठीक है, तो ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा आपको। तो ये हमने कैथोड और एनोड रेस लिया, हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल हैं, और हैं तो वो कहाँ होंगे उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरह से समझाने लग गए कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ होंगे वहाँ होंगे। बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट थ्योरम जो दिया गया है, हम इतना समझने लगे कि एटम एक ऐसे वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है अनडिवाइडेड पार्टिकल, यानी उसे नहीं फर्दर हम उसको किसी और पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है जो हमें दिखाई दे रहा है, भले वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसका सबसे छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा करते जाओ, एक ऐसे पार्टिकल पे जाके खत्म हो जाओ, उस पार्टिकल से आगे उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसी को हम एटम कहने की कोशिश कर रहे थे। अलग अलग साइंटिस्ट आए, एटम को डिफाइन करने की कोशिश किया गया, और उसी में हमारे पास आया डाल्टन्स। डाल्टन्स ने हमारे को एटॉमिक मॉडल दिया जो पहला उस पॉइंट पे था। डाल्टन एटॉमिक मॉडल इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं यहाँ पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसलिए बोलना चाहूंगा कि एटम को हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं। सही भी है, अगर एटम में आप कोई रिसर्च करते हो ना तो आपको जो नोबेल प्राइज मिलेगा वो फिजिक्स का मिलेगा। इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों को सिर्फ फिजिक्स में ही दिया गया है, भले ही हम इसको केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं यहाँ इंडिया में, लेकिन बाहर इसको फिजिक्स में ही पढ़ा जाता है, तो हमने इसको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों कह दिया। दिस थ्योरी ऑफ एटॉमिक कंपोजिशन वाज हाइपोथेसाइज्ड एंड पार्शियली कंफर्म्ड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट यानी केमिस्ट एंड फिजिस्ट जॉन डाल्टन। डाल्टन्स कम विद दिस एटॉमिक थ्योरी एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिसर्च इनटू गैसेस। ही डिस्कवर्ड दैट सर्टेन गैसेस ओनली कुड बी कंबाइंड इन सर्टेन प्रॉपर्टीज इवन इफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स शुड द सेम कॉमन एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स थ्रो डिड्यूस रीजनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल टेशंस ही मेड एन इंटरेस्टिंग डिस्कवरी। ही इज फाइंडिंग दैट लेड हिम टू हाइपोथाइज दैट एलिमेंट कंबाइंड एट द एटॉमिक लेवल इन फिक्स रेशियो। मतलब कुल मिला के हम इस बात में ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अलग अलग गैसेस पे हमने रिसर्च किया और हमने ये पॉइंट्स निकाले कि एटम्स होते हैं, और जो भी उस गैस का सबसे छोटा वाला पार्टिकल है वही हमारे लिए एटम्स था, और कोई खास ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट बने उसको मैंने लास्ट में लिखा है, दिस लॉ फोकस ऑन द फाइव बेसिक थियोरम्स। फर्स्ट, प्योर एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी जो भी प्योर एलिमेंट है जैसे O2 N2 वो एटम से ही बनी हुई है, कोई अलग नहीं है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर ऑल द सेम फॉर दैट एलिमेंट, दैट मींस गोल्ड इज गोल्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन डाउन टू द लास्ट एटम। यानी अगर आप गोल्ड को डिवाइड करते जाओ छोटे से छोटा पार्टिकल तो भी वो गोल्ड ही रहेगा, उससे ज्यादा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जैसे CO2 को डिवाइड करोगे तो लास्ट पार्टिकल CO2 मिलेगा, लेकिन उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड भले ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम जानते हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी अपार्ट बाय देयर एटॉमिक वेट। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स उनके एटॉमिक वेट अलग अलग है, बाकी सब कुछ सिमिलर कंसेप्ट चलेंगे। एटम्स ऑफ एलिमेंट यूनिट टू फॉर्म केमिस्ट कंपाउंड्स। तो यहां पर कोई बहुत केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिस्ट्री रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। द ग्रुपिंग ओनली चेंजेस, यानी ग्रुपिंग चेंज हो सकती है, CO2 CO में चेंज हो सकता है, C2H4 C2H6 में चेंज हो सकता है, तो ग्रुपिंग चेंज कर सकता है, लेकिन एटम ये नहीं कि कार्बन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो कोई खास बात अभी तक हमारे को पढ़ने को नहीं मिली है। बस हाँ ये आइडिया लगने लगा कि मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट प्योर एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। CO2 कंपाउंड है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, बस खत्म बात। तो ये हमारे को डाल्टन्स ने थोड़ा सा नॉलेज दिया, हमारे को यही कह रहा है बहुत इजीली। थॉमसन स्टेटेड दैट एटम इज यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट इन सच ए वे दैट एटम बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप बिल्कुल ऐसे बना लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है और इसके अंदर आपके पास कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी नेगेटिव 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 नेगेटिव
जल्दी से बनाएं इसको, और नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इसके बीच में कहीं सेंट्राइज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, हर दो नेगेटिव के बीच में कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, और 1 2 3 4 5 सिक्स, तो 1 2 3 4 5 और कहीं ना कहीं ये भी सिक्स होगा, ऑल ये नेगेटिव और पॉजिटिव बराबर होंगे और ये न्यूट्रल रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, कुल मिला के ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे एटम ऑल न्यूट्रल है। यानी अभी तक हम ये मानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं, लेकिन ये मॉडल अपने आप ब्रेक हो गया। कब ब्रेक हो गया? जब हमें पता चला सारा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ नहीं रहता न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रलाइज एटम के अंदर एक न्यूक्लियस स्पेस होती है, वहां होता है। तो ये बात हमें कैसे पता चली, उसके लिए हमारे पास अगले अगले मॉडल आए। तो ये हमारे पास सारे पॉइंट्स एक के बाद एक है, क्लियर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लिखें इसको।